दोस्तों, अगर आप भी ऑटोमेटिक स्टेयरलाइट सिस्टम बनाना चाहते हो या कोई सिमिलर सिस्टम बनाना चाहते हो जिससे मोशन डिटेक्ट करने के बाद लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, तो आज बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है दोस्तों मेरे पास। ये है ब्लैक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से आया हुआ मोशन सेंसर लैंप। सो बेसिकली एक मोशन सेंसर है जिसके अंदर एक इनबिल्ट लैंप है, और आज मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में सब बताऊंगा, इसकी वायरिंग वर्किंग सब बताऊंगा। ये प्रोडक्ट दोस्तों, जैसा मैंने कहा, स्टेयर के सिस्टम में आप यूज कर सकते हो ऑटोमेटिक लाइट लगाने के लिए, सिमिलरली वार्डरोब्स में भी आप यूज कर सकते हो या फिर बेसमेंट्स में यूज कर सकते हो। वाइड वैरायटीज ऑफ एप्लीकेशन है दोस्तों इसके। घर में आपको जहां पर भी लगता है कि अननेसेसरी लाइट्स ऑन रहती है, तो उन जगहों पर आप मोशन सेंसर लैंप लगा सकते हो। इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा और आपका ऑटोमेशन भी हो जाएगा, यानी आपको मैन्युअली ऑन ऑफ करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ये सेंसर लैंप दोस्तों बहुत ही अमेजिंग फीचर्स के साथ आता है जिन्हें मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल से लेकर ताकि आपको हर वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसके अनबॉक्सिंग से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजिंक्य और आप देख रहे हो ऑटोमेशन विद आशीष। दोस्तों, कुछ ऐसे बढ़िया से बॉक्स पैकेजिंग में आता है ये प्रोडक्ट, तो इसे हम जल्दी से खोलते हैं। इस बॉक्स के ऊपर दोस्तों आपको इसके स्पेसिफिकेशंस प्रिंटेड मिलेंगे, लेकिन मैं अभी उन्हें कवर ही कर दूंगा। इस बॉक्स में दोस्तों निकल के आता है ये यूज़र मैनुअल। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को पहली बार देख रहे हो, तो आपको जो सारी चीज़ें चाहिए इस प्रोडक्ट को समझने के लिए, इसके स्पेसिफिकेशंस, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, वो सब आपको इस मैनुअल में मिल जाएगा। मैनुअल को रखते हैं साइड में, और इसके अंदर है ये मेन प्रोडक्ट। यह दोस्तों मोशन सेंसर लैम्प, आप देख सकते हो, साइज भी देख सकते हो। और ये जो, अगर मैं इसके बॉडी मटेरियल की बात करूँ, तो ABS प्लास्टिक मटेरियल की इसकी बॉडी है, और ये फ्लश माउंट में है, यानी अगर आपको POP में लगाना है या फिर किसी भी ऐसी चीज़ में लगाना है जहाँ पर होल वगैरह हो इसके साइज का, तो सिंपली आपको इस स्प्रिंग को ऊपर करके उस होल के अंदर फिट करके छोड़ देना है, ये अपने आप उसमें लॉक हो जाएगा। तो इसमें आपको स्क्रूज वगैरह से फिट करने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल इसका इंस्टॉलेशन है। तो अगर मैं इस साइड की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक PIR मोशन सेंसर। बड़ा छोटा सा है ये, लेकिन ये मोशन डिटेक्ट करता है। और ये जो है, ये है लैम्प। ये बहुत ही पावरफुल लैम्प है दोस्तों, 7 वॉट का ये लैम्प है, और इस वाले फुटेज में आपको दिख जाएगा कि ये कितना पावरफुल है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दोस्तों देख लेते हैं। ये है 220 वोल्ट से 240 वोल्ट AC पर चलने वाला मोशन सेंसर लैम्प। इसमें आपको दो चीजें एडजस्टेबल मिल जाती है। सबसे पहले तो लक्स, यानी लाइट इंटेंसिटी। इसे आप दिन में भी ऑपरेट करवा सकते हो, रात में भी ऑपरेट करवा सकते हो। इसका जो लक्स है वो है 3 से 2000 एडजस्टेबल। साथ ही इसमें एडजस्टेबल टाइम डिले भी आता है, जो है मिनिमम 10 सेकेंड से लेकर मैक्सिमम 15 मिनट तक। लाइट की जो पावर है वो मैंने आपको बता दी है, 7 वॉट का ये लाइट है। और ये जो लाइट है दोस्तों, वो थोड़ा सा वार्म वाइट है। इसका एक खास फीचर है जो अभी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले इसकी डिटेक्टिंग रेंज जो है दोस्तों, वो है 360 डिग्रीज। अब इसे ऐसे लगाओगे सिंपली, और ये जो नीचे सर्कल बनेगा उसका जो डायमीटर है वो है 6 मीटर का। तो इस सेंसर को दोस्तों आप 1.8 मीटर से लेकर 3 मीटर की हाइट तक इंस्टॉल कर सकते हो, और फिर ये आपको नीचे 6 मीटर डायमीटर वाला एक सर्कमफेरेंस रेडी करेगा, जिसके अंदर कोई भी आएगा तो ये मोशन डिटेक्ट करके लैम्प को ऑन कर देगा। अब इसका जो फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ही खास है। इसमें इनबिल्ट लैम्प तो है ही, आप तो जानते हो, लेकिन आप इस पर एक्सटर्नल लोड भी लगा सकते हो, वो भी 500 वॉट तक। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए ये स्टेयरकेस लाइट के लिए बहुत ही परफेक्ट प्रोडक्ट है। ऐसे अगर आपने सिर्फ 2 ले लिए, तो आप इन पर टोटल 6 लाइट्स लगा सकते हो। कैसे? एक तो हो गई इसकी इनबिल्ट लाइट, इस पर आप और 2 एक्स्ट्रा लाइट लगा सकते हो, और ऐसा और एक ले लिया तो हो गए टोटल 6 लाइट्स। तो अगर आपकी स्टेप्स है मान लो 20, तो 6 लाइट्स इज सफिशियंट फॉर दैट। इसमें दोस्तों यहाँ पर एक कैप मिल जाती है, जिसे अनस्क्रू करके आपको कनेक्शंस करने होते हैं। कनेक्शंस दोस्तों इसके बहुत ही सिंपल है। अगर आपको एक्सटर्नल लोड नहीं लगाना है, तो सिंपली आपको फेज और न्यूट्रल की जो वायर्स हैं उन्हें लगा देनी है, और अगर आपको एक्सटर्नल लोड लगाना है, तो उसकी वायरिंग डायग्राम अलग से यहाँ पर प्रिंटेड है। एक्सटर्नल लोड लगा के बताता हूँ। तो चलो अभी इसकी वायरिंग देखते हैं, और उसके बाद इसका वर्किंग देखते हैं कि कैसा ये डिटेक्शन करता है।
सो गाइज इस मोशन सेंसर लैम्प की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही अच्छी है, मैंने जितने भी बार इसे टेस्ट किया है उतने बार इसने वर्क किया है। तो कंक्लूजन में मैं ये बोलूंगा दोस्तों, स्टेयरकेस ऑटोमेशन के लिए लाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। साथ ही वार्डरोब लाइट, अगर आपका कोई बड़ा वार्डरोब होगा तो उसमें भी आप ये लगा सकते हो। ब्लैक टी इलेक्ट्रिक कंपनी ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इस प्रोडक्ट की जेन्युइन परचेस लिंक मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। इस प्रोडक्ट के दोस्तों बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशंस है और ये फ्लश माउंटेड है तो इसलिए आपको इंस्टॉलेशन में ज्यादा तकलीफ होने नहीं वाली है। इस प्रोडक्ट से या टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जिन लोगों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच, और जिन लोगों ने नहीं किया है कोई टेंशन नहीं है, ऐसी कुछ वीडियोस में हमेशा आपके लिए लाते रहूंगा।